हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं ब्रह्मास्त्र वेपन वर्सेस मार्वल स्टूडियोज वेपन्स के बीच में, यानी कि अस्त्रावर्स में जो हमें वेपन्स देखने को मिले हैं उन सभी की बैटल करवाऊंगा मैं मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में दिखाए गए वेपन्स से। अभी भी नहीं समझे तो जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी उसमें जो सभी वेपन्स हमें देखने को मिले हैं ना, वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, अग्नियास्त्र, प्रभास्त्र, जलास्त्र एंड एक्सेट्रा मैनी मोर, उनकी बैटल होने वाली है स्टोन ब्रेकर, म्यूनीर, कैप्टन अमेरिका के शील्ड, आयरन मैन के सूट एंड इन्फिनिटी स्टोन से। सो यस, वीडियो काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उससे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स नाउ। अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि ब्रह्मास्त्र वेपन वर्सेज मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स वेपन्स की। सो बात कुछ ऐसी है कि इनका कंपैरिजन कुछ बेसिक के हिसाब से करेंगे, कुछ बेसिक लेवल पर, जैसे कि जो वेपन होता है वो बेस्ट वेपन कैसे बनता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, वो अपने यूज़र को काफ़ी पावरफुल बना सके। दूसरा, वो अपने यूज़र को कितनी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो जो वानर अस्त्र है और म्योनिर है, इन दोनों में ज़्यादा बेस्ट और ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करने वाला वेपन कौन सा है, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। पहले जो वानर अस्त्र है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये अपने होल्डर को काफ़ी ही ज़्यादा फास्ट बना देता है, ऊंची ऊंची और लंबी लंबी छलांगे लगाने में भी अपने होल्डर को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दीवारों और बिल्डिंगों पर वो इजिली और काफ़ी ज़्यादा जल्दी चढ़ सकता है, और साथ ही में उसकी फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, और इसकी मदद से उसका पावर लेवल काफ़ी सारे ह्यूमंस के बराबर हो जाता है। बात की जाए यहाँ पर म्यूनिर की, तो जो म्यूनिर है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी सारी एडवांटेजेस को प्रोवाइड करता है उसके यूज़र के लिए। जैसे कि जो म्यूनिर है, पहले तो अगर कोई भी उसको लिफ्ट कर जाता है तो वो लिटरल में अपने धारक को एक गॉड यानी कि जो थॉर है उसकी पावर्स को प्रोवाइड करवा देता है, यानी कि गॉडली लाइक पावर्स को वो एकदम से अपने यूजर को दे देता है, चाहे उसका यूजर एक नॉर्मल ह्यूमन ही क्यों ना हो, वो काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। इवन जो वानर अस्त्र है उसकी स्पीड को ऑब्वियसली ये चीज सरपास कर जाती है, क्योंकि इसकी मदद से लाइट स्पीड में ट्रेवल किया जा सकता है, और साथ ही में जो म्यूनिर है वो अपने धारक को ऐसी काफी सारी एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये कहना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी कि जो म्यूनिर है यस वो वानर अस्त्र के मुकाबले में ज्यादा एडवांटेजेस को प्रोवाइड करता है अपने यूजर को, और यस ज्यादा पावरफुल है वानर अस्त्र के मुकाबले में। क्योंकि देखो जो म्यूनिर है उसने जेन फॉस्टर के कैंसर को भी ठीक कर दिया था, जब जो जेन फॉस्टर है वो म्यूनिर को लिफ्ट करती है, और कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसका इलाज अभी तक जो ह्यूमन मेडिसिन है, ह्यूमंस का पूरा साइंस है, पूरा इतिहास उसमें किसी ने नहीं ढूंढा है। वो बात अलग है कि जब जो जेन फॉस्टर है वो म्यूनिर को छोड़ देती है तो उसका कैंसर डबल तेजी से बढ़ जाता है, वो अलग बात है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं करो। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर टू, नंदी अस्त्र वर्सेज आयरन मैन सूट। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि जो नंदी अस्त्र है, जिसको कि हमने ब्रह्मास्त्र मूवी में देखा था नागार्जुन जी के कैरेक्टर के पास, तो जो नंदी अस्त्र है उसके बारे में बताया गया है कि ये अपने यूजर को, अपने धारक को प्रोवाइड करता है 1000 नंदियों की ताकत, यानी कि, और इसकी मदद से जो नंदी अस्त्र के धारक है यानी कि अनीस शेट्टी, जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाए गए हैं, उन्होंने काफी सारी फीट्स हासिल की है मूवी में। पर यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि इस वेपन के होने के बाद भी, यानी कि नंदी अस्त्र के उनके पास होने के बाद भी वो मर गए, यानी कि देखो ऐसा दिखाया तो नहीं गया कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए, बट खाई में तो गिरे, जिससे हमें ये पता चलता है कि नंदी अस्त्र पावरफुल तो है, अपने यूजर को वो काफी अच्छे से प्रोटेक्ट तो करता है, बट बहुत ज्यादा जानलेवा अटैक से वो अपने धारक को बचाने में उतना सक्षम नहीं है। क्योंकि बात की जाए यहाँ पर आयरन सूट की, तो देखो जो आयरन सूट है वो जाने ही जाते हैं डिफेंस के लिए, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंदी अस्त्र के अपोजिट में यहाँ पर हल्क बस्टर को लेना बहुत बेस्ट चॉइस होगी। तो देखो जो नंदी अस्त्र वर्सेस हल्क बस्टर है, उसमें बेसिकली यहाँ पर जितना मुझे लगता है कि जो हल्क बस्टर है कहीं ना कहीं उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है। पहला तो जो आयरन मैन है वो काफी सारे ऐसे फिजिकल अटैक्स से हल्क बस्टर के अंदर सेफ है, जो कि लिटरल में उस बंदे को खत्म भी कर सकते हैं। मतलब देख लो, हल्क बस्टर पहनकर जो आयरन मैन है वो हल्क के सामने लड़ पड़ा था, ना सिर्फ लड़ पड़ा था बल्कि हल्क के डेडली पंचेस को उसने सहा था, अपने ऊपर लिया था। हल्क बस्टर है वो यस नंदी अस्त्र के मुकाबले में यहाँ पर कहीं ना कहीं आ गया, क्योंकि नंदी अस्त्र की जो फीट्स है उनकी फीट्स
उसको सरपास कर जाता है हल्क बस्टर। अब हाँ, जो नंदी अस्त्र है उसकी फीट्स ज्यादा स्केल पर भी हो सकती है, बट जितने स्केल पर दिखाई गई है उन सभी फीट्स के मुकाबले में ऑब्वियसली हल्क बस्टर की फीट्स ज्यादा है, ये तो मानते हो। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, अग्नियास्त्र वर्सेस स्टॉर्म ब्रेकर। तो देखो, जो अग्नियास्त्र है वो ब्रह्मास्त्र मूवी का ब्रह्मास्त्र के बाद दूसरा काफी ज्यादा फोकस्ड अस्त्र है, ये तो मानते हो, पर वहीं उसके अपोजिट में जो है वो है स्टॉर्म ब्रेकर। तो जब इनमें बैटल होगी तो क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये जानना तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि देखो, बात कुछ ऐसी है कि जो दोनों ही वेपन है, दोनों का पावर लेवल सेम है कहीं ना कहीं, पर बात आती है जब ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करने की, तो जो अग्नियास्त्र है उसके पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि वो फायर मैनिपुलेशन कर सकता है हाई लेवल तक। अगर कोई बंदा इस चीज में काफी ज्यादा सक्षम हो जाता है, जैसे कि जो शिवा है, क्योंकि वो खुद एक अग्नियास्त्र है, जिस वजह से जो शिवा है वो अपने आसपास फायर की ऐसे फोर्स फील्ड क्रिएट करता है जो कि लिटरल में बुलेट प्रूफ होती है, बुलेट भी उसके आर पार नहीं जा सकती, इतनी ज्यादा सख्त और पावरफुल बना देता है वो शील्ड को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, फायर को कंट्रोल करके वो मनचाही चीजों को क्रिएट भी कर सकता है। जैसे कि जो ग्रीन लैंटर्न है वो अपनी विल पावर का यूज करके अपने रिंग की मदद से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, सेम केस यहाँ पर शिवा के साथ भी है, वो अपने विल पावर के चलते अपनी फायर की मदद से काफी सारी चीजों को क्रिएट कर सकता है जो कि उतनी स्ट्रांग होगी जितनी की उसकी विल। कौन ज्यादा एडवांटेज दे सकता है अपने धारक को, तो वो है स्टॉर्म ब्रेकर, क्योंकि इसकी मदद से लिटरली टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बाइफ्रॉस्ट के जरिए टेलीपोर्ट हुआ जाता है ना स्टॉर्म ब्रेकर से। और जो फ्रॉस्ट है, अगर वो कुछ देर ज्यादा खुला रह गया किसी प्लैनेट पर, तो वो प्लैनेट कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाएगा, मतलब खत्म। और ऐसे ही काफी सारी एडवांटेज, जैसे किसकी मदद से फ्लाई किया जा सकता है, हील भी किया जा सकता है। तो हाँ, अगर किसी यूजर के पास ऑप्शन है कि वो अग्नियास्त्र या फिर स्टॉर्म ब्रेकर को ले, तो अगर वो स्टॉर्म ब्रेकर को रहता है तो वो ज्यादा फायदे में रहेगा, ये बात तो मानते हो। अब बात करते हैं गजास्त्र वर्सेस कैप्टन अमेरिका की शील्ड। अब काफी लोगों को नहीं पता होगा कि यार ये गजास्त्र क्या है। जो गजास्त्र ट्रेलर में भी हमें देखने को मिला था और मूवी में भी, कि जो गजास्त्र है वो भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह एक फोर्स फील्ड को या कहें एक शील्ड को क्रिएट करता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, एक तो वो वाइब्रेनियम की बनी है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सख्त है, और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ एक ही साइड को कवर करती है, बल्कि जो गजास्त्र है वो चारों दिशाओं से कवर करता है अपने धारक को, यानी कि किसी भी दिशा से अगर हमला हो तो उसका धारक सेफ रहेगा। और ऐसा मत समझना कि जो गजास्त्र है वो उरू मेटल से नहीं बना जिस वजह से वो वीक है, नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक अस्त्र है और उसे गजास्त्र ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गजास्त्र की एक और एडवांटेज भी है कि इसकी मदद से सिर्फ ना सिर्फ फोर्स फील्ड को क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि यस अटैक्स भी किए जा सकते हैं अपने डिफेंस के लिए अपने ओपोनेंट के ऊपर, जो कि एक और अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की शील्ड सिर्फ डिफेंस के लिए, वो भी एक तरफ से, और उसके बाद वो ज्यादा काम की नहीं रह जाती, क्योंकि यस उसे सिर्फ डिफेंस ही किया जा सकता है, वो डिफेंस के लिए काफी अच्छी है, बट उसकी मदद से दूसरे बंदों पर अटैक नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कैप्टन अमेरिका जैसा कोई बंदा हो या सुपर सोल्जर हो, वो तो ऐसे आराम से फेंक देगा उस शील्ड को परे और फिर उससे खत्म कर देगा काफी बंदों को, और फिर वापस से वो शील्ड कैप्टन अमेरिका के पास आ जाएगी। पर वो कैप्टन अमेरिका है, उन्होंने अब शील्ड को चलाने में महारत हासिल कर ली है, बट अगर कोई न्यू बंदा आ गया तो उसके लिए ज्यादा कंपेटेबल रहेगा गजास्त्र ना कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड, ये तो मानते हो। नाउ फाइनली अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन की। उसके बारे में बताया गया है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स को, यस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। वहीं जो इन्फिनिटी स्टोन्स है उनके बारे में बताया गया है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पूरे एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो यस, ब्रह्मास्त्र वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन की ये बैटल काफी ज्यादा टक्कर की होने वाली है, क्योंकि पावर के हिसाब से ये दोनों ही जो वेपन्स है, दोनों ही जो अस्त्र है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों यूनिवर्सल लेवल तक के हैं। इन दोनों की मदद से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो इस बात से ये चीज साफ है कि इनका पावर लेवल इक्वल है। बट जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है वो ये है कि ये अपने होल्डर को, यानी कि इनके धारक को कितनी ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो इन्फिनिटी स्टोन है वो बहुत आगे है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन 6 है और 6 इन्फिनिटी स्टोन में हर एक जो इन्फिनिटी स्टोन है उसकी अपने अपने खासियत है, और वो अगर एक इन्फिनिटी स्टोन भी किसी यूजर के पास हो, किसी बंदे के पास हो, तो हाँ वो उसकी मदद से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जब 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन किसी के पास हो तो देख लो। नाउ अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए कि किस सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास बेस्ट वेपन्स है, तो देखो जो अस्त्रवर्स है उसने लिटरल में अभी सिर्फ 11 से 16 वेपन्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि ये अस्त्रवर्स की सिर्फ पहली मूवी है ब्रह्मास्त्र। इसकी ट्रिलॉजी अभी आना बाकी, और फिर बाकी काफी सारे अननोन प्रोजेक्ट्स भी होंगे लाइन में अगर ये ट्रिलॉजी हिट हो गई तो।
बात कुछ ऐसी है कि जो अस्त्रवर से ब्रह्मास्त्र मूवी में ही काफी सारे अरे 40 से 50 ऐसे अदर वेपन्स है जिनका जिक्र किया गया है, थोड़ा दिखाया गया है पर अच्छे से नहीं बताया गया उनके बारे में, जो कि आगे चलकर पता चलने ही वाला है ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं जो अस्त्रवर से उसमें पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने का, बट अभी वो पूरा नहीं हुआ है अस्त्रवर का प्रोजेक्ट, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसमें अस्त्रों की थोड़ी कमी है। बट जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है, जिस वजह से उसमें काफी सारे वेपन्स आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और काफी सारे एडवांटेजेस देने वाले हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभी के लिए जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसका पलड़ा भारी है यहाँ पर वेपन्स के हिसाब से अगर देखा जाए। बट हाँ, आगे चलकर अगर अस्त्रवर्स काफी एक्सपेंड होता है, उसमें काफी मूवीज आती है, काफी स्पिन ऑफ्स आते हैं, तो हाँ ऑब्वियसली हमें उसमें वेपन्स देखने को मिलने वाले, और तब फिर कहीं एक बार में फिर से इन दोनों यूनिवर्स के अस्त्रों में टक्कर करवाऊंगा। बट तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपका क्या ओपिनियन है, आपको किस यूनिवर्स के वेपन्स ज्यादा पसंद है, अस्त्रवर्स या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताना। काफी अच्छा लग रहा है यार, मतलब पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की बैटल होती थी, अब एक इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स भी आ चुका है यार अस्त्रवर्स। सुनाओ मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे बैठे कैंड बाय बाय, अपना ओपिनियन बताना, अगर नेक्स्ट टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो भी दे देना। सुनाओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे बैठे कैंड बाय बाय।